व्यूअर्स जो हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर लेटेस्ट वीडियो आपको ही आए तो आप देख सकते हो हम कितने। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैर आप कैसे होंगे। तो जी वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और नए आने वाले व्यूअर्स जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि। तो जी आज हम बनाने वाले हैं अंडे आलू का सालन, जो कि हमने कभी नहीं बनाया है और हमने अपनी सिस्टर से रेसिपी पूछी है, तो आज उनकी रेसिपी से ट्राई करते हैं। इंशाल्लाह होप कि अच्छा बनेगा। आप लोगों को भी से भी शेयर करते हैं और दिखाते हैं कि कैसे स्टार्ट होता है, अगर आप लोग भी बनाना चाहते हो, क्योंकि अब महंगाई आ गई है, रोज़ गोश्त तो नहीं खा सकते। तो चलें देखते हैं कैसे बनाते हैं। बिस्मिल्लाह चलें जी स्टार्ट करते हैं। एक बड़ी प्याज है, एक दरमियानी प्याज है, तो हम इसको काटते हैं और ये फिर इसको पीसना है। ठीक है, तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम चलें जी बिस्मिल्लाह करते हैं और ये प्याज हम काटने लगे हैं। बिस्मिल्लाह आपको दिखाते हैं फिर। प्याज भी इतनी सख्त है क्या, माफ अल्लाह करे। महंगाई का जो आलम है, आप लोगों का क्या कहना है, कहाँ जा रही है महंगाई। दूध जो है 210 रुपए किलो हो गया है, अंडे जो है 310 रुपए दर्जन हो गए हैं और पेट्रोल आई थिंक 290 और समथिंग हो गया है। अल्लाह रहम करे। सुना है कि लोग जो है बहुत परेशान हैं खाने को लेकर, नहीं सिगरेट महंगी हो गई है। जी जनाब आपने बिल्कुल सही सुना, सिगरेट जो है उसके भी बहुत ज़्यादा प्राइस बढ़ गए। तो अब क्या होगा, अल्लाह खैर करेगा। आप लोग प्लीज़ मेक श्योर कर लो कि चैनल को सब्सक्राइब कर दिया हो आपने, ताकि हर लेटेस्ट वीडियो, ये क्या बोल रही हूँ मैं, नहीं नहीं ताकि मेरे फॉलोअर्स सब्सक्राइबर्स बढ़ें, ताकि मेरे भी आइडियाज़ जहन में ज़्यादा आएँ कि मैंने क्या करना है अपने जो मुझसे भरोसा करते हैं, मुझसे प्यार करते हैं, उन सब के लिए। अच्छा मैं यहाँ पर ऐड करना चाहती हूँ आदिल शाह, मेरा भाई, थैंक यू सो मच। आप हर वीडियो पे कमेंट करते हो, जिनको मैंने पहले दे दिया है थैंक्स, उनका अगेन थैंक्स। सारे मेरे व्यूअर्स का, सब्सक्राइबर्स का, अनसब्सक्राइबर्स जो थे, नॉन सब्सक्राइबर्स हैं, उन सबका भी थैंक यू सो मच। तहे दिल से मैं शुक्रगुजार हूँ उन सब की। वीडियो को प्लीज़ देखा करें, पूरा देखा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप लोगों को वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं या ना भी अच्छी लग रही हैं तो सब्सक्राइब कर दो मुसलमानों। मेरा जो है ये कैप जो है टूट गया है, हस्बैंड के पास बिल्कुल टाइम नहीं है, तो मैंने इसके ऊपर ये लिड लगा लिया है। अच्छा ये चूल्हे पे हमने पैन रख दिया है, पतीला भगोना बर्तन रख दिया है, इसमें ऑयल शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये आप देख सकते हो। ठीक है ये आपने देखा। अब इसमें जो है दाना मेथी ऐड करेंगे थोड़ी सी पिंच, ठीक है आप देख सकते हो। अच्छा यहाँ दूसरे जो है पैन में मैंने एग्स बॉईल कर लिए हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये हो रहा है दाना मेथी। अच्छा ये आप देख सकते हो थोड़ी सी हो चुकी है सॉफ्ट। अब जो है हमने प्याज जो पीसी है वो ऐड कर देंगे इसमें। बिस्मिल्लाह ये आप देख सकते हो। उम्मीद करती हूँ आप लोग भी मेरे रेसिपी से ही ट्राई करोगे। मेरी रेसिपी तो ऐसे नहीं है, मैं तो फर्स्ट टाइम लाइफ में ट्राई कर रही हूँ ये रेसिपी, लेकिन देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अच्छा ही आएगा। अच्छा इस मोमेंट पे मैं थोड़ी सी कलौंजी भी ऐड कर देती हूँ इसमें। कलौंजी में आप सब ने फरमाया कि बहुत के अलावा हर चीज़ का इलाज है, तो आप लोग भी कोशिश किया कीजिए कि थोड़ी सी भले पिंच जो है चुटकी भर जो है कलौंजी अपने खाने में ऐड कर लिया करें। अच्छा जब तक वो मसाला हो रहा है प्याज वाला, तो हम जो है इसमें मसाले ऐड कर लेते हैं। थोड़ी सी हल्दी है, ठीक है, और लाल पिसी हुई मिर्च, ये देखें आप कमी डालना है बिकॉज मेरे हस्बैंड को इतनी पसंद नहीं है मिर्च। ये नमक है और पिसा हुआ धनिया हमें ऐड करना है इसमें, ये आप देख सकते हो। अब हम इसको पानी मिला लेंगे इसमें, ठीक है कुछ इस तरह से हो जाएगा थोड़ी देर, एंड देन इसमें हम अदरक लहसुन शामिल कर लेंगे। ठीक है अदरक लहसुन जैसे मैं पहले बताती हूँ मेरे हस्बैंड को सूट नहीं करता, तो मैंने कमी डाला है, आप लोग ज़्यादा भी डाल सकते हो, मैंने बस रिक्वायरमेंट के लिए पूरा किया है। वो कहते हैं ना कि कहा था तो मैंने डाल दिया है। ये देखें इस कलर चेंज कर लिया है अनियन ने, तो अब हम जो है मसाला हमने जो पानी ऐड किया था वो ऐड कर लेंगे इसमें। ये आप देख सकते हो इसमें मैंने हरा पिसा हुआ धनिया है, लाल मिर्च है और हल्दी है, नमक है, वो ऐड किया। तो इसको भुनेंगे, फिर इसमें आलू और अंडे शामिल कर लेंगे, ये देखिए। अच्छा अब हम देखते हैं कि किस तरह से, ये आप देख सकते हो कितनी खूबसूरत शक्ल आ गई है।
अच्छा, यहाँ पे हमने 3 पोटैटोज ले लिए हैं, इनको कट करते हैं और फिर इसमें ऐड करते हैं जो हुआ है ना। देखिए आप, हमने इसमें आलू ऐड कर लिए हैं, आपकी मर्जी है, किसी भी शेप से आप काट सकते हैं। और आप ये देख सकते हो थोड़ा सा पानी ऐड कर लिया था बिकॉज ये आलू गलेंगे भी। अब हम इसमें जो है अंडे के छिलके उतार के और अंडा भी ऐड कर देंगे। ये देखिए हमने छिलके उतार लिए, आधा टूट गया है, हमसे कोई बात नहीं होता है, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। अब हम जो है इसको इसी में ही ऐड कर लेते हैं, थोड़ा सा स्पून से हम मिक्स कर देते हैं। आलू ज़्यादा हो गए, अंडे कम हो गए, अंडे हम और उबालें, लेकिन ठीक है, गर्मी भी अंडे कौन खाएगा इतने। चलें जी देखते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आप देख सकते हो किस तरह से इसकी शक्ल आई है। हम जो है ग्रेवी चेक कर लेते हैं कि आया हमें जो मसाला चाहिए सालन उतना मोटा मोटा थिक हुआ या नहीं हुआ। थोड़ा सा इसको और हम वैसे ठीक है, ठीक है, नमक चेक कर लेते हैं। यहाँ पे रोज़ा खोलने के लिए बैठे हैं, मैं रेडी करने के बाद वीडियो नहीं बना पाई बिकॉज हम लोगों को ज़्यादा भूख लग रही थी और लाइट भी नहीं थी, तो हमने खा लिया है। आप देख सकते हो कुछ इस तरह की शक्ल थी, अब तो ये बस बचा हुआ है, कल देखेंगे इंशाल्लाह दोपहर में खाएंगे या क्या करते हैं इसका। ये देखें फ्राइज हमने उतार लिए हैं, ये रेस्टोरेंट स्टाइल फ्राइज बनाने की नाकाम कोशिश की आज आपकी केटी ने, देखते हैं कैसा टेस्ट आता है। और यहाँ पर पार्टी हो रही है, रमज़ान से पहले ही पापड़ आ चुके हैं। आप देख सकते हो नलकी वाले पापड़ बहुत फेमस हैं, बहुत मुश्किल से मिलते हैं अब तो, पहले बहुत मिलते थे, हमारे डैडी को बहुत पसंद थे। तो आप देख सकते हो इसको हम जो है फ्राई करते हैं। ऑयल अभी हमारा ठंडा हो गया क्योंकि हमने जो है जलाने के चक्करों में पापड़ के जल ना जाए चूल्हा बंद कर दिया था। ये आप देख सकते हो ऑरेंज कलर का, पहले येलो होते थे ये ज़्यादातर। अब मेरी बहनें मैसेज करेंगी कि आपने कच्चा ही उतार लिया केटी, तो मैं इसको थोड़ा सा टर्न कर लेती हूँ, लेकिन वैसे मुझे इस तरह का ही थोड़ा क्रिस्पी क्रिस्पी होता है। साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो।